12 बज गया है, मेरा पैकिंग हो रहा है घूमने के लिए, इधर पैकिंग हो रहा है कॉलेज जाने के लिए। ज्ञान मान दो कुछ लड़का को, ज्ञान दे दी है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Okay, हाँ तो भाइयों यलगार हो चुका है नए ट्रिप का, आ गए हैं गोमो स्टेशन, शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी आ गया है लड़के। चलो ठीक, स्टेशन के बाहर यहाँ पे बस अड्डा है, ये पूरा बस अड्डा है, ठीक है, याद रहना यहीं से बस पकड़ना है तुमको, कभी भी हरिद्वार आएगा तो यहाँ से बाहर में। एडमिशन हो गया है, पेपर वेपर लेके बैठा है, फाइनली जो भी प्रॉब्लम्स था सॉल्यूशन मिल गया सबका, और ये गाड़ी छोड़ेगी हॉस्टल तक। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. और भैया हमें छोड़ रहे हैं जी, ये सब कॉलेज बिल्डिंग से भैया। कौन से हॉस्टल में जाना है भैया? एफ एफ, वहाँ पे एफ लास्ट में, हाँ एफ ब्लॉक। ये कैंटीन है क्या भैया? जी ये कैंटीन है क्या? कैंटीन है, कैफे, फूड कोर्ट है। अच्छा फूड कोर्ट, हाँ उससे ऊपर जिम भी है। अच्छा जो यहाँ रहेंगे वो उनके लिए जिम है। अच्छा मतलब हॉस्टल के लिए जिम फ्री है ना? अब ये तो नहीं पता, पेमेंट करना था। हाँ वो बाकी सब, ये कैंपस है। जितनी देर में गया लंच करने, उतनी देर में तो आपका काम हो जाता। अरे यार मैं आधा घंटे पहले यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, बहुत देर से वो बैठे हुए हैं रेड टी शर्ट वाले, मेरे को फोन कर रहा है। और ये सारा कैंपस है, हम लोग बिहार से हैं भैया। आपने लेट क्यों कर दिया? लेट नहीं कर दिया, कॉलेज लेट कर दिया बोनाफाइड लेटर भेजने में। तो ये यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, उधर फ्रीजर लगा हुआ है, फूफा जी पानी भर रहे हैं भाई। और गोलू आ चुका है अपने हॉस्टल रूम में, 32 नंबर रूम मिला है लड़के को, रूम बड़ा स्पेसियस है, ये मेरे वाले हॉस्टल से बहुत ज़्यादा, हम जब हॉस्टल में थे। और ये बड़ा बड़ा कवर्ड दिया है, ये अच्छा है, सबसे बेटर चीज़ है बड़ा बड़ा कवर्ड, अपना पर्सनल ताला मार के रख लो। ये स्टडी टेबल है, सबका अपना अपना सोने का व्यवस्था है, मस्त एकदम वहाँ पर अपना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर भी एक भगवान है, वहाँ पर भी एक भगवान है, ठीक है। और ये अपना जाली खिड़की, मच्छरदानी जैसा, अपना मच्छर नहीं आएगा इस। बाकी सीन दिखाता हूँ बाहर का, ये देखो भाई इधर ग्राउंड है, उधर पहाड़ियाँ हैं, देख लो भाई। देहरादून के यही फायदे हैं ना, पहाड़ वहाड़ देखने को मिलता है, थोड़ा हवा मस्त आएगा खिड़की से, ये देखो भाई। और इधर हॉस्टल वॉस्टल कॉलेज वॉलेज सही है, बाकी यही रूम है। चलो वार्डन से मिलते हैं, वार्डन बताएगा। सुबह सुबह कॉलेज से निकले, कॉलेज जाने के लिए निकलेगा ना तो अपना शक्ल देख सकता है यहाँ पे कैसा दिख रहा है ना, किसी लिए नहीं है अंदर। तो यही है हॉस्टल इसका, और इधर खाने को मिलेगा कहीं पे, देखते हैं यहाँ कहाँ है। ऐसा कुछ मेस है पूरा बड़ा सा इधर इधर, और वो वहाँ पे ले रहा है खाना, तो ये यहाँ पे खाना मिल गया फर्स्ट डे पे हम लोग को भी। पहले दिन पे खाना भी मिल जाए बहुत बढ़िया बात है, मस्त एकदम। बोलो चावल भी मिल रहा है, ले लो। खाना बहुत टेस्टी था एकदम, मस्त मज़ा आया खा के। खाना बोलो, खाना सही था ना, खा लेगा ना? खाना सही है गोरू को, मज़ा आया खा के। क्या बोल रहा है? सही खा रहा है, बाहर खा लेगा ना, सही से रह लेगा ना। चले हम लोग, चलो बाहर चला जाए। कोई बंदा क्या है नहीं, नो रैगिंग, रैगिंग फ्री कैंपस, मतलब सीनियर परेशान नहीं करेगा, लेकिन सीनियर परेशान नहीं करेगा तो लड़का लोग सीखेगा नहीं, जरूरी है सीनियर का पूछना। ठीक है, मन लगा कर पढ़ना, पढ़ो ठीक है, ठीक है चलो। याद है ना नंबर 32?
तो यहाँ से कॉलेज में एंट्री मिलता है और यहाँ से सीधा ये एडमिशन ऑफिस है पीछे, और ये है मेन गेट। हमने ओला कर लिया है तुला यूनिवर्सिटी जाने के लिए, इसको छोड़ना है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का बोर्ड ही बड़ा लगा हुआ है एकदम, बोर्ड भी बड़ा लगा हुआ है। आ जाइए वहाँ। कॉलेज के ठीक बगल से नदी निकलती है भाई। कौन सी नदी है भाई ये? यमुना। यमुना है ये, कॉलेज के ठीक बगल में यमुना। संगम हो जाता है, संगम हो जाता है प्रयागराज में। तो भाई आ गए हैं तुलास, तो क्या है इसको ले जाना है मेन ऑफिस में। हो गया है बच्चे का, हाँ हॉस्टल का भी हो गया है, बस फर्स्ट टाइम आए हैं विजिट कर रहे हैं तो जाना है सब कुछ। बच्चा यही रहेगा? हाँ हाँ, छोड़ने ही आया है। एंट्री करो, उसके बाद आप ऑफिस चले जाओ सामने। अच्छा वो ऑफिस है, अच्छा ठीक है, मिल लेना वो जो भी पर्सन खड़ा है। ठीक है भैया, यही मेन रास्ता ना भैया? मेन सर ही है। अच्छा ये मेन है, मेन हाईवे पे आते हैं। हाँ ये थोड़ा शॉर्ट पड़ गया, थोड़ी शॉर्ट है थोड़ी ऑफिस भाई। तो अभिनव का सब क्लियर हो गया है, कॉलेज फीस हॉस्टल क्या रे, कैसा लग रहा है पहला पहला दिन कॉलेज का? और इधर कुछ डिपार्टमेंट्स है, उधर अंदर कॉलेज है बहुत, उधर अंदर कॉलेजेस है और इधर भी है एडमिशन डिपार्टमेंट। आ जाओ। तब हम लोग जाएंगे अब हॉस्टल इसको छोड़ने के लिए। अब दोनों लोग हॉस्टल लग गया तो हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, और यहाँ से हमारी चंडीगढ़ की ट्रेन है। मेरी फूफा जी जाएंगे वापस बक्सर, उनकी ट्रेन है हरिद्वार से। फर्स्ट टाइम हॉस्टल में आ रहा है लड़का। हॉस्टल कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर आ जाओ, ये 100 वाला है। उधर नदी है भाई। तो भाई का ये है हॉस्टल, ये भाई मिल गया इसको रूममेट। अरे रहा अभिनव, यहाँ से ऐसा कुछ है, और ये बालकोनी है। बालकोनी में मस्त चिल मार सकता है, बालकोनी से तो व्यू तुम लोग का बड़ा अच्छा है भाई, नदी दिख रही है। फूफा जी ये भी लड़का बिहार का ही है। कौन? ये पटना से। पटना से? तो गांव कहाँ है? गांव नहीं है, पटना में। पटना ही मेन सिटी में रहते हो? चलो भाई, तो पटना कहाँ रहता था तुम? बिकना पहाड़ी। अच्छा बढ़िया, बिहार से यहाँ पे खेल रहे। तकिया मिल गया, और मिल गया वो भी। अब इंजॉय करो कॉलेज लाइफ, 4 साल सब कुछ है भाई। बास्केटबॉल भी है, खेल लो अच्छे से, टीम वीम में घुस जाना। साफ है भाई, साफ एकदम। ये वॉशरूम है प्रॉपर एकदम, उधर भी इधर भी, नहाने वाने के लिए भी सही है। सही है सही है सही है, वॉशरूम वॉशरूम में देख लो। ठीक है, पे कर सके ना। ठीक है भाई, टाटा टाटा। ये न्यू एडमिशन है? हाँ न्यू एडमिशन है। चलो टाटा।